हम में से कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है और ना ही बन सकता है जिससे कोई गलती ना हुई हो। हम सबसे रोज गलतियां होती रहती है, पर यार कभी कभी कुछ गलतियां इतनी बड़ी हो जाती है जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। उस टाइम तो हमें जो ठीक लगता है वही कर देते हैं, पर बाद में खुद से ही बुरा फील होता है कि ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे में खुद को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता कि इस गलती को सुधारे कैसे, अब इस सिचुएशन में कर क्या सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए जो हमारे ऊपर से इस गलती का बोझ हटे। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो बस आप जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है यार, इस गलती को पहचानो, कहीं अकेले बैठकर इन बातों को दोहराओ खुद में ही, सोचो कि शुरुआत कहां से हुई थी, कहां से हालात बिगड़ने शुरू हुए थे, देखो कि चीजें बिगड़ी कहां से और गलती कहां पर आकर हुई। खुद को किसी भी चीज के लिए ब्लेम करना ठीक नहीं है अगर वो गलती एक ही बार आपसे हुई है तो। उसको पहचान कर ये जान लो कि इस गलती का फेस दोहराना नहीं है, और फिर स्वीकार कर लो कि हाँ गलती हुई है। कई बार हम खुद से ही बहस कर रहे होते हैं कि मेरी गलती नहीं है, उसी ने ऐसा किया या मैंने ऐसा बोला तो उसकी भी कुछ गलती होगी। ये सब छोड़कर खुद की गलती देखो और इस बात को लेकर मत बैठो, जो होना था हो गया, अब निकलने की सोचो। आप यार उसको कभी बदल थोड़ी सकते हो, आप सिर्फ उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको दोबारा ना करने की ठान सकते हो। तो जो चीज आपके हाथों में है सिर्फ वही करो, एक जगह ठहर कर उसे सोचो मत, और फिर है उससे सीखो। मतलब आपने किसी का दिल दुखाया या कुछ भी गलती की तो उसको सोचो और खुद से ही प्रोमिस करो कि ऐसा आप कभी नहीं करोगे। मतलब किसी का दिल हमारी वजह से ना दुखे, हम खुद को ऐसा तो बना ही सकते हैं। ये जो गलती आपने कर दी है इससे सीख लेने से आप ऐसे ही कोई बड़ी गलती करने से बच सकते हो। इसके बाद है भूल जाओ। जख्म कितना भी गहरा क्यों ना हो, वक्त सब भर देता है। गलती हुई है मान ली, उसे पहचाना, उससे सीखा, अब ठहर कर खुद को बर्बाद मत करो। जिस भी इंसान के लिए फील कर रहे हो कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था या ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो उसे बस सॉरी बोल दो। बाद में वो माफ करे या ना करे ये उसके ऊपर है, तुम अपना फर्ज निभा दो, उसे अपना फर्ज निभाने दो। अगर ये चीज आप मान लेते हैं और इस गलती को दोहराते नहीं तो भगवान भी माफ कर देता है। इसीलिए खुद को खुद ही माफ करो और फिर मुस्कुराना शुरू करो। ये जिंदगी बहुत बड़ी है, किसी की कहानी में आप विलन जरूर होगे पर किसी की कहानी में हीरो भी जरूर होगे। इसीलिए रुको मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। दोस्तों आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। इसके साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।